हेलो बच्चों, मेरा नाम है धीरज। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें क्या करना है। ऑन डिवाइडिंग, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, बाय किसी से हम डिवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे को बता रहा है कि एक्स माइनस टू है और रिमाइंडर बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपको पता भी होगी। डिविडेंड जो होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है किसके? डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। डिविडेंड इक्वल होएगा कोशेंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर के। अब किसी क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करने को कहता है कि आप कोशेंट को फाइंड आउट करो, सॉरी डिवीज़र को फाइंड आउट करो, तो आप कैसे कर सकते हैं? बाकी सब चीज़ इधर ले आते हैं, तो डिविडेंड माइनस, देखो यहाँ प्लस का रिमाइंडर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय क्वेश्चन, तो हमारे पास क्या डिवीज़र आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा डिवीज़र। इस क्वेश्चन में भी सेम यही है, हमारे को देखो डिविडेंड की वैल्यू गिवन है, कितनी है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस टू, ये है डिविडेंड गिवन। और जो डिवीज़र है वो हमें फाइंड आउट करना है, कोशेंट है वो है हमारे पास एक्स माइनस टू, और जो रिमाइंडर है वो कितना है, माइनस का 2x प्लस का 4। ठीक है, तो मैं भी यही करता हूँ, सबसे पहले रिमाइंडर को इस तरफ लाता हूँ। तो देखो, एक्स का क्यूब है इस तरफ, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस एक्स है, प्लस 2 है, ये इस तरफ आएगा रिमाइंडर, तो जो माइनस का 2x है इधर आकर क्या बन जाएगा, प्लस का 2x, जो प्लस का 4 है इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 4, इधर क्या बच गया, डिवीज़र इनटू कोशेंट कितना है हमारे पास इस बार, x माइनस 2। अच्छा, अब देखो यहाँ 2x है और एक x है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x, अच्छा 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू डिवीज़र, x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड x माइनस 2। यानी डिवीज़र हमें निकालना है तो इससे डिवाइड करेंगे हम। चलिए फिर डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2। अब जब डिवाइड करना है तो देखो कैसे होएगा डिवाइड, x को कितने से मल्टीप्लाई करूँ एक्स क्यूब बन जाए, यानी एक्स स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया माइनस का 2x स्क्वेयर, ये आ गया माइनस और ये बन गया प्लस, ये हो गया कैंसिल, माइनस का 3 और प्लस का 2x स्क्वेयर कितना बन गया, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस का 2। x को माइनस एक्स स्क्वेयर से इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स से, माइनस एक्स को जब माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 2x बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया और ये माइनस, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, हो गया पूरा पूरा डिवाइड, यानी प्लस 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, डिवीज़र कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। क्या हमें यही फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमें ये रूल पता होना चाहिए, जब ये फॉर्मूला पता है तो हम उसके बाद रिमाइंडर को इधर लाएंगे, क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे, सेम वही मैंने करा है, और फिर जब डिवाइड कर दिया तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिवीज़र। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।